गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज सुमित अरोरा। वेलकम यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर सुमित अरोरा। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द फार्माकोग्नोसी ऑफ बेलाडोना लीफ। हियर विद दिस फिगर यू कैन सी द बेलाडोना लीफ। द बेलाडोना बिलोंग्स टू द केमिकल क्लास ऑफ ट्रोपेन अल्कोलाइड। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो द टू एग्जाम्पल ऑफ अल्कोलाइड। वन वॉज राउल्फिया सर्पेंटिना, दैट वॉज बिलोंग टू इंडोल अल्कोलाइड, एंड सेकंड वॉज ओपीएम एंड दैट वॉज बिलोंग टू आइसोक्विनोलिन अल्कोलाइड। दिस इज द थर्ड ड्रग बिलोंग टू द कैटेगरी कॉल्ड बेलाडोना एंड इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ट्रोपेन अल्कोलाइड। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये तीनों अल्कोलाइड जो है ये अमाइनो एसिड से बनते हैं। इंडोल अल्कोलाइड के लिए जो अमाइनो एसिड लगता है वो ट्रिप्टोफैन है, ये आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत काम में आएगा। और ओपीएम अल्कोलाइड जो अपने आइसोक्विनोलिन अल्कोलाइड देखे थे उसमें मैंने बताया आपको फिनाइल एलानिन और टायरोसिन दे एक्ट एज अ प्रीकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ मॉर्फिन कोडिन एंड थीबेन मीन्स आइसोक्विनोलिन अल्कोलाइड। हियर इज द थर्ड एग्जाम्पल ट्रोपेन एंड ऑर्निथिन इज द अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ऑल ट्रोपेन अल्कोलाइड। तो ये तीन चीज़ें आप यहाँ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिनोनिम। सिनोनिम ऑफ बेलाडोना इज डेडली नाइट शेड। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो ये आपको बता दूँ, ये कई बार आपको क्वेश्चन आता है, एक सिनोनिम दिया रहता है, आपको ड्रग आइडेंटिफाई करना होता है, तो बेलाडोना के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया, तो यू कैन रिमेंबर डेडली नाइट शेड इज द सिनोनिम ऑफ बेलाडोना और बेलाडोना लीफ। इसी को फॉलिया बेलाडोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज बॉटनिकल सोर्स। सिंस द बेलाडोना कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज लीफ एंड सेकंड इज फ्लावरिंग टॉप्स, सो हियर यू हैव टू रिमेंबर बोथ फ्रेश एज वेल एज ड्राइड लीव्स, दे आर कम्स अंडर द पार्ट मीन्स द बेलोडोना कंसिस्ट ऑफ फ्रेश और ड्राइड लीव्स एज वेल एज द फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ एट्रोपा बेलोडोना एंड एट्रोपा एक्यूमिनाटा। अगर आप एट्रोपा बेलोडोना लिख रहे हैं उसी को यूरोपियन बेलोडोना कहा जाता है, अगर आप एट्रोपा एक्यूमिनाटा लिखते हैं उसी को इंडियन बेलोडोना भी कहा जाता है। इट शुड नॉट कंटेन लेस देन 0.3% ऑफ अल्कोलाइड कैलकुलेटेड एज हायोसाइमिन। ये उसकी परसेंटेज लिमिट है और एक्टिव कॉन्स्टेंट उसका है हायोसाइमिन। यहाँ आपका बायोलॉजिकल सोर्स खत्म होता है, आपको इसके आगे लिखना होता है फैमिली एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली सोलानासी। बेलाडोना के अलावा दो ड्रग ऐसे भी है जिसको आप आसानी से याद रख सकते हो जो बेलाडोना के समान ही सोलानासी फैमिली को बिलोंग करता है, उसका नाम है हायोसाइमस बेलाडोना एंड धतुरा HBD। हैप्पी बर्थडे का जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं आप HBD। ऑल दिस थ्री ड्रग हायोसाइमस बेलाडोना एंड धतुरा दे बिलोंग्स टू द सेम फैमिली सोलानासी। तो इस तरीके से आप इसका बायोलॉजिकल सोर्स लिखते हैं बोथ द पार्ट्स फ्रेश और ड्राइड लीव्स एज वेल एज द फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना ऑल्सो कॉल्ड एज यूरोपियन बेलाडोना और एट्रोपा एक्यूमिनाटा ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन बेलाडोना। शुड नॉट कंटेन द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हायोसाइमिन एंड दैट टू बी नॉट लेस देन 0.3% फैमिली सोलानेसी। नेक्स्ट इज कल्टिवेशन कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। जब कभी भी बेलाडोना कल्टिवेशन करते हैं तो इसको सीड से कल्टिवेट किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड के साथ, जो मंथ सिलेक्ट किया गया है एट द एंड ऑफ जून और जुलाई, और सनी पोजीशन जो है इसको प्रोवाइड करेंगे आप तो ज़्यादा ईल्ड मिलती है एज़ कम्पेयर टू शेड कंडीशन। ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट है मंथ वाइज देखे या इन्वायरमेंट वाइज देखे। एंड द जनरली द प्लांट्स अबाउट 3 ईयर्स ओल्ड आर सफिशियंटली लार्ज टू प्रोड्यूस द गुड क्वालिटी ऑफ द ईल्ड। अगर आप 3 साल पुराना प्लांट लेते हैं तो आपको जो लीफ की ईल्ड मिलना है वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और लीफ की ईल्ड ज़्यादा मिलेंगी तो उसमें एक्टिव कॉन्स्टेंट का परसेंटेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो एवरी टाइम यू हैव टू रीप्लांट द लीफ एंड हैव टू ग्रो द लीफ आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, और 3 ईयर्स ओल्ड प्लांट्स आर ऑफन सिलेक्टेड। देन 2 or more ग्राफ्स ऑफ द लीव्स आर कलेक्टेड एनुअली। द लीव्स शुड बी ड्राई, इनपरफेक्टली ड्राई, मे डिटोरिएट एंड हेंस द आफ्टर कलेक्शन ऑफ द लीव्स लीव्स शुड बी ड्राइड एज अर्ली एज पॉसिबल एंड शुड बी स्टोर इन अ वेल क्लोज कंटेनर सो दैट इट शुड नॉट बी कंटेन सम स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर शुड नॉट बी देयर। और एक मैंने पिंक कलर में ब्राउन कलर में एक लाइन लिखी है कि लीफ को ड्राइंग कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ बेलाडोना। जैसे आपने डिजिटल इसमें देखा था इट शुड बी ड्राई बिलो 60 डिग्री सेल्सियस एंड द मॉइस्चर कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 5%। हियर ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन द ड्राइंग कंडीशन। हाउ द लीव्स ऑफ द गुड कलर कैन बी ऑब्टेन बाय स्प्रेडिंग इट और बाय ड्राइंग इट इन अ थिन लेयर्स। फर्स्ट यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय प्रोवाइडिंग द मॉडरेट हीट then which is gradually increase up to 60 degree Celsius and gradually decrease means you have to first provide the moderate heat, then increase the temperature up to 60 degree Celsius and finally decrease the temperature। तो ये तीन कंडीशन में आपको थिन लेयर में आपको लीफ को ड्राई करना है तो वो डिटोरिएट नहीं होंगे, अमोनिया उसमें से जो निकलता है वो नहीं लिखेंगे, और आपकी लीव्स जो रहेंगी वो गुड कलर की मेंटेन रहेंगी। एंड समटाइम्स द लीव्स आर बैडली अटैक बाय द इंसेक्ट्स एंड द फंगस, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट द लीव्स बाय इन फ्रॉम इंसेक्ट एज वेल एज फ्रॉम फंगस। फाइनली इट रिक्वायर एन अल्टीट्यूड ऑफ 1400 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। नेक्स्ट अपन देखते हैं कल्टिवेशन फ्लो चार्ट में।
तो बेरियस ऑफ एलडोना आपको लेना है, बेरियस ऑफ एलडोना से आपको सीड्स को सेपरेट करना है, मीन्स फर्स्ट यू हैव टेकन द बेरियस ऑफ एलडोना, क्रश इट एंड फाइनली द सीड्स आर सेपरेटेड। आपको सीड्स को वॉश करना है, सीव करना है। सीव इसलिए करना है कि आपको ओनली हेल्दी सीड्स और यूनिफॉर्म सीड्स जो है इसको आगे लेके जाना है प्रोपोगेशन के लिए। फाइनली द हेल्दी सीड्स आर कल्टिवेटेड एट द एंड ऑफ जून जुलाई, दैट इज फ्रॉम मंथ ऑफ मे टू एंड ऑफ जुलाई बाय द मेथड कॉल्ड एज ब्रॉडकास्टिंग मेथड। देन इट इज ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड बाय कीपिंग अ सुटेबल डिस्टेंस बिटवीन टू रोज एट द एंड ऑफ और बाय द एंड ऑफ सेप्टेम्बर। ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन यू हैव टू एड डायोथॉन एंड फर्टिलाइजर सच एज यूरिया, पोटैश एंड सुपर फॉस्फेट और सेवन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर दैट आर रिक्वायर्ड टू बी एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द बेलोडोना। एंड फाइनली लीव्स आर कलेक्टेड एंड ड्राई। यू हैव टू मेंटेन द ड्राइंग कंडीशन इनिशियली मॉडरेट, फाइनली इंक्रीज टू 60 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रेजुअली डिक्रीज इट। आफ्टर मेंटेनिंग दिस ड्राइंग कंडीशन यू विल हैव द लीव्स विच आर वेरी गुड इन कलर एंड गुड इन क्वांटिटी। इट हैज़ टू बी पैक्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट। इन दिस वे द कल्टिवेशन कैन बी डन। फाइनली द मॉर्फोलॉजी, द बेलोडोना कंसिस्ट ऑफ लीव्स एंड द साइज ऑफ द लीव्स इज 5 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। The width is around 2.5 to 12 centimeter. The shape is ovate in nature. The color you can see the figure yellowish green in color. Margin is entire. Apex is acuminate. Base is acute or slightly decurrent. एक surface के बारे में मैंने लिखा है क्योंकि surface के बारे में एक बार question आया था entrance में कि surface को touch करने पर roughness और venation आता है। अगर आप leaf को broken करते हो तो जो कौन से characters है वो आपको दिखते हैं या आप महसूस कर सकते हैं, तो दे आर वेनेशन एंड रफनेस। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, याद रखोगे आप। द सर्फेस इज ग्लैबरस एंड द माइन्यूट प्रोमिनेंसेस आर देयर, इट इज बिकॉज ऑफ आइडियोब्लास्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। जो प्रोमिनेंस आए हैं इट इज बिकॉज ऑफ आइडियोब्लास्ट। एंड इफ द लीव्स आर ब्रोकन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक कैरेक्टर जो आप देख सकते हैं वो दो है, फर्स्ट इज वेनेशन एंड सेकेंड इज रफनेस। ट्रेज एनिमास में ये अच्छे से दिया है तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखोगे। द क्वेश्चन कैन बी आस वॉट हैपन इफ द, और वॉट आर द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स कैन बी सीन इफ द लीव्स आर ब्रोकन, देन दे आर वेनेशन एंड रफनेस। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपी। यह जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये स्केमेटिक डायग्राम है, इसमें जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो लिखी गई है। मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ डॉर्सो वेंट्रल लीफ। इट शोज द प्रेजेंस ऑफ पैलिसेड सेल्स ओनली ऑन द वन साइड ऑफ एपिडर्मिस। इसके पहले अपने सेन्ना देखे थे जिसमें आइसोवाइलेटरल लीफ होने की वजह से पैलिसेड सेल्स दोनों जगह थे, यह डॉर्सो वेंट्रल लीफ है। सेकंड है इट्स द प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर बंडल विच इज बायकोलेटरल टाइप इन नेचर। अर्लियर वी हैव सीन द बायकोलेटरल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल इन द क्लोवर्स, दिस इज द सेकंड ड्रग बेलाडोना। इट ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ बायकोलेटरल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। इट शोज द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो स्पोनाइडल और सैंडी क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। यहाँ मैं एक बात बता दूँ आपको, दिस थ्री ड्रग विच बिलोंग्स टू द सेम फैमिली दैट इज हायोसाइमस, बेलाडोना एंड धतूरा, ऑल दिस थ्री ड्रग शोज द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो स्पिनोइडल और सैंडी क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ये इसकी खासियत है, ये तीनों ड्रग जो सोलानेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं इसका स्टोमेटा और कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल सेम होता है। यहाँ देख रहे हैं आप द एपिडर्मिस शोज द प्रेजेंस ऑफ अनिजोसाइटिक और क्रूसीफेरस स्टोमेटा। तो दिस प्रेजेंस ऑफ अनिजोसाइटिक स्टोमेटा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ड्रग बिलोंग्स टू द फैमिली सोलानेसी। सो ऑल दिस थ्री ड्रग हायोसाइमस, बेलाडोना एंड धतूरा, दे विल शोज द प्रेजेंस ऑफ अनिसोसाइटिक और क्रूसीफेरस स्टोमेटा, दे विल शोज द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्पिनाइडल और सैंडी क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। यहाँ एक यूनिक बात जो कैरेक्टरिस्टिक इन्फॉर्मेशन बेलाडोना की है, इसकी एपिडर्मल सेल्स की जो वॉल्स रहती है दे आर एंटी क्लिनल इन नेचर। दे आर नॉट द स्ट्रेट वॉल्स, दे आर वेवी वॉल्स, दे आर एंटी क्लिनल्स, वेवी वॉल्स एंड स्ट्राइटेड क्यूटिकल्स। तो ये उसका एक डायग्नोस्टिक फीचर है, इसकी जो एपिडर्मल सेल्स की वॉल्स रहेंगी वो वेवी रहेंगी लाइक अ विंड, दे आर नॉट स्ट्रेट। इस तरीके से उसको आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज ऑफ ट्राइकोम्स। इट शोज द प्रेजेंस ऑफ यूनिसेरिएट मल्टी सेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स एज वेल एज ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स। तो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, फर्स्ट इट शोज द प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स विथ एंटी क्लिनल वेवी वॉल्स एंड इट शोज द प्रेजेंस ऑफ यूनिसेरिएट मल्टी सेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स एंड ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, वाइल द कैरेक्टरिस्टिक स्टोमेटा इज ऑफ एनिजोसाइटिक एंड क्रिस्टल्स इज ऑफ माइक्रोस्पिनोडल ऑल्सो कॉल्ड एज सैंडी क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। तो दीज आर दी माइक्रोस्कोपिंग, वही डिस्क्रिप्शन में अपन ने देखेंगे, ब्लू लाइन में लिखा है मैंने, स्टोमेटा इज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एनिजोसाइटिक टाइप्स, द एपिडर्मल सेल्स ऑफ एंटीक्लिनल वेवी वॉल्स, ओकेजनली दे कंटेन द यूनिसेरिएट मल्टीसेल्युलर कवरिंग ट्राइकोम, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। सम ऑफ द स्पॉन्जी मेजोफिल्स कंटेन द माइक्रोस्पिनोइडल और सैंडी क्रिस्टल्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इट ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ बायकोलेटरल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। तो ये चार पांच चीज़ें आप माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू याद रख सकते हो, इसी के बेसिस पे उसका इलट्रेशन आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स।
एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट बिलोंग्स टू द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अल्कोलाइड सो इट कंटेन 0.3 टू 0.6% ऑफ अल्कोलाइड द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अल्कोलाइड इज हाइओसायमीन्स दैट शुड बी नॉट लेस देन 0.3% एज ऑलरेडी डिस्कस इन द बायोलॉजिकल सोर्स अदर देन हाइओसायमीन इसमें बहुत सारे अल्कोलाइड रहते हैं जिसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है जैसे एट्रोपिन एपोएट्रोपिन एंड हाइओसायमीन एट्रोपिन इज वेल नोन फॉर देयर एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी हाइओसिन इज वेल नोन फॉर इट्स मोशन सिकनेस इफेक्टिव इन मोशन सिकनेस अदर देन दिस इट ऑल्सो कंटेन दी वोलेटाइल बेसिस कॉल्ड एज पायरिडिन एंड एन मिथाइल पायरोलिन ये दो वोलेटाइल बेसिस भी इसमें होते हैं जैसे अपन ने रावल्फिया में दो अनहाइड्रस बेसिस देखे थे सर्पेंटिन एंड सर्पेंटिनिन सिमिलरली द बेलडोना कंटेन द टू वोलेटाइल बेसिस कॉल्ड एज पायरिडिन एंड एन मिथाइल पायरोलिन ये दो नाम आप याद रख सकते हो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको पूछा जा सकता है अदर देन दिस द लीव्स ऑल्सो कंटेन वन फ्लोरोसेंट सब्सटेंस दैट क्वेश्चन इज आस्क इन द मणिपाल एंट्रेंस एग्जामिनेशन विच फ्लोरोसेंट सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द बेलडोना एंड दैट इज नेम इज बीटा मिथाइल एस्क्यूलेटिन इसी को स्कोपोलेटिन कहा जाता है ये आप याद रखोगे जब कभी भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू उसको हाईलाइट करता हूँ आइदर रेड में आपने सिनेमन में देखे थे सिनेमन कंटेन द स्वीट सब्सटेंस कॉल्ड एज मैनिटॉल तो वो वर्ड वहाँ पे आपको याद रखना है सिमिलरली हियर इट कंटेन द फ्लोरोसेंट सब्सटेंस कॉल्ड एज बीटा मिथाइल एस्क्यूलेटिन कॉल्ड एज स्कोपोलेटिन तो दोनों वर्ड याद रखोगे स्कोपोलेटिन और बीटा मिथाइल एस्क्यूलेटिन एंड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट द यील्ड ऑफ द एश वैल्यू शुड बी अराउंड 14% एंड शुड नॉट बी मोर देन 4% ऑफ एसिड इन सोलूबल एश तो दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दैट यू हैव टू रिमेंबर हाइओसायमिन एट्रोपिन हाइओसिन पायरिडिन एंड मिथाइल पायरोलिन एंड मिथाइल पायरोलिन आर द वोलेटाइल बेसिस एंड लीव्स कंटेन द फ्लोरोसेंट सब्सटेंस कॉल्ड एज एस्क्यूलेटिन और बीटा मिथाइल एस्क्यूलेटिन कॉल्ड एज स्कोपोलेटिन फिर बात करते हैं यूजेस की अपन ने देखे कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उनके हिसाब से इनके यूज रहेंगे सबसे पहला यूज है एज अ लोकल एनेस्थेटिक एंड एनोडाइन इट इज यूज टू रिलीव द पेन सेकेंड ट्यूबरकुलोसिस में इसको यूज करते हैं इट इज यूज टू चेक द प्रोफ्यूज परस्पिरेशन ऑफ द पेशेंट परस्पिरेशन ऑफ द पेशेंट चेक करते हैं दोज पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एट्रोपिन इज वेल नोन फॉर इट्स डायलेशन ऑफ प्यूपिल एंड इट्स ऑप्थल्मोलॉजिस्ट जो है उसको आसानी से इसको यूज कर सकते हैं ये प्यूपिल को डायलेट करता है इंटरनली दे आर यूज एज अ सिडेटिव एंड इट इज यूज टू चेक द सिक्रीशंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज इट इज पैरा सिंपैथोलाइटिक विथ एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी जितने बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं या डिग्री कर रहे हैं वो सारे के सारे पहला यूज यही लिखते हैं बिकॉज दे आर हैव द आइडिया अबाउट एट्रोपिन एंड हायोसिन दे आर एंटी कोलिनर्जिक इन नेचर एंड दे हैव द पैरा सिंपैथोलाइटिक प्रॉपर्टी मीन्स दे इनिबिट द इफेक्ट ऑफ ए सी एच मीन्स दे प्रोड्यूस द इफेक्ट अदर दैन ए सी एच और रिवर्स ऑफ ए सी एच हेंस दे आर कॉल्ड एज एंटी कोलिनर्जिक इन नेचर अदर देन दिस द बेलडोना लीव्स कैन बी यूज इन टिंचर प्रिपरेशन इट इज ऑल्सो यूज इन एंटीडोट एज अ एंटीडोट इन ओपियम एंड क्लोरल हाइड्रेट पॉइजनिंग एट्रोपिन जो है या बेलडोना जो है इसको आप यूज कर सकते हो ओपियम में या क्लोरल हाइड्रेट पॉइजनिंग में नेक्स्ट आता है एडल्ट्रेंट जो बहुत काम का है दो एडल्ट्रेंट यहाँ पे मैंने लिखे दोनों एडल्ट्रेंट आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है बताऊंगा और क्या नाम है उसका याद रखना है द फर्स्ट इज कॉल्ड एज फाइटोलैका डिकेंड्रा ये वर्ड याद रखूंगे आप फाइटोलैका डिकेंड्रा इट बिलोंग्स टू द फैमिली फाइटोलैकेसी कई बार एडल्ट्रेंट के ऊपर एंट्रेंस में क्वेश्चन आया हुआ है दिस फाइटोलैका डिकेंड्रा इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप इसके एपिडर्मल सेल्स में वॉल जो रहती है वो स्ट्रेट वॉल रहती है अपने ओरिजिनल ड्रग के बेलडोना में जो वॉल थी वो वेवी वॉल थी एंटीक्लिनल वेवी वॉल हियर इट एपिडर्मल सेल कंटेन द स्ट्रेट वॉल हियर द क्रिस्टल्स आर नीडल शेप क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एंड स्टोमेटाइज अनोमोसाइटिक टाइप नेक्स्ट इज लैमिना इज डेंसर एंड लेस डीकरेंट देन बेलडोना तो ये चार पॉइंट इसके एडल्ट्रेंट को ओरिजिनल ड्रग से डिफ्रेंशिएट करते फिर से बता रहा हूँ एपिडर्मल सेल्स जो है उसकी वॉल स्ट्रेट रहेंगी ओरिजिनल ड्रग में जो स्टोमेटा होता है वो अनिजोसाइटिक होता है इसमें जो रहेगा वो अनोमोसाइटिक है ओरिजिनल ड्रग में जो क्रिस्टल्स है वो है सैंडी और माइक्रोस्पिनल क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट यहाँ जो क्रिस्टल्स रहेंगे दे आर नीडल शेप क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट लैमिना इज डेंसर एंड लेस डीकरेंट देन बेलडोना दीज आर दी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ फाइटोलैका डिकेंड्रा सेकंड जो एडल्ट्रेंट है उसका नाम है एलियंथस ग्लैंडुलोसा एलियंथस ग्लैंडुलोसा फैमिली इज साइमारुबासी इट शोज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइटेड क्यूटिकल्स एंड सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द एपिडर्मल सेल्स अगेन आर हैविंग द स्ट्रेट वॉल बट इट शोज द प्रेजेंस ऑफ क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट मतलब माइक्रोस्कोपी की वॉल के बेसिस पे और क्रिस्टल्स के बेसिस पे इन दोनों एडल्ट्रेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एलियंथस में क्लस्टर क्रिस्टल्स रहेंगे एपिडर्मल सेल्स स्ट्रेट वॉल के रहेंगे फाइटोलैका डिकेंड्रा में भी एपिडर्मल सेल्स स्ट्रेट वॉल के रहेंगे और नीडल शेप क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट रहेंगे नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म की यहाँ एक मैकेनिज्म मैंने हाईलाइट किया एंटीमेटिक प्रॉपर्टी ऑफ बेलडोना
अगर आपने देखे होंगे ट्रैवलिंग करते हुए, कई लोग बेलडोना के जो पैच है वो कान के पीछे लगाते हैं, दे एक्ट एज अ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। वो बेलडोना के पैचेस से एक सब्सटेंस रिलीज होता है, उसका नाम है हायोसिन। कहते हैं कि बॉडी जब अपनी मोशन में होती है तो अपने बॉडी में जो वेस्टिबुलर एपरेटस है वहाँ से एक सिग्नल जाता है कोलिनर्जिक पाथवे से, जहाँ से ACH रिलीज होता है। वो ACH वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करके मोशन के दौरान आपको वोमिटिंग होती है। मोशन के दौरान आपको, मोशन मीन्स व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, तो जो वोमिटिंग आपको ट्रैवलिंग के दौरान हो रही है वो ना हो, इसलिए कई लोग बेलडोना के पैचेस जो है वो लगाते हैं कान के पीछे। वहाँ से धीरे धीरे ACH रिलीज, वहाँ से धीरे धीरे हायोसिन रिलीज होता है। वो हायोसिन ACH के पाथवे को ब्लॉक करता है, दैट इज इनहिबिट द सिग्नल्स ऑफ रिलीज ऑफ ACH फ्रॉम वेस्टिबुलर एपरेटस टू द कोलिनर्जिक पाथवे, एंड कोलिनर्जिक पाथवे से जो ACH निकल रहा है वो वोमिटिंग सेंटर तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए आपको ट्रैवलिंग के दौरान वोमिटिंग नहीं होती। इट इज बिकॉज ऑफ हायोसिन विच इज प्रेजेंट इन बेलडोना। सो इन दिस वे यू कैन लर्न दी यू कैन स्टडी द फार्माकोग्नोसी ऑफ बेलडोना। फॉर फर्दर रीडिंग यू कैन रेफर माई बुक। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। होप यू एंजॉय द वीडियो। हैप्पी रीडिंग। थैंक यू वेरी मच।